थायराइड और मोटापा, आज हम बात कर रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, अर्थात उस बीमारी की जिसमें कि शरीर में वजन बढ़ते चला जाता है। खान पान तो एकदम कम रहता है, पर बहुत तेजी से शरीर में फैट, चर्बी या मोटापा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी में आपके घर में रखी कौन सी चीज सबसे बेस्ट हो सकती है और उसका सेवन इस बीमारी में आपको जरूर करना चाहिए, आज इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में जिसमें कि वजन बढ़ता है। पिछले हमने वीडियोस में समझा था कि आयुर्वेद के अनुसार हाइपोथायराइडिज्म एक कफ और वात की बीमारी है। जब भी शरीर में कफ और वायु बिगड़ेगा तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कफ ठंडा है और वायु भी ठंडी है। अब ये दो ठंडी चीजें शरीर में मिलकर क्या करती हैं कि जो भी आपके शरीर में अग्नि है, जो जठर अग्नि है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, उसको कम कर देती है। तो हमें कुछ ऐसी दवाई चाहिए जो कफ और वायु को तो कंट्रोल करे, नेचर में गर्म हो और हमारी जठर अग्नि को, पाचन तंत्र को बढ़ाने में मदद करे। अगर ये तीनों काम एक साथ करने वाली कोई दवा हमें अपने घर में ढूंढनी हो तो उसका नाम है छाछ। छाछ, जी हाँ, आपके घर में रखा हुआ छाछ, जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं, वो थायराइड के लिए एक कमाल का टॉनिक है, या ऐसे कह सकते हैं कि हाइपोथायराइड की बीमारी में इसे आपको जरूर पीना चाहिए। पर छाछ में ऐसी क्या बात है जो हाइपोथायराइड में काम करती है? तो इस बारे में वाग्भट ऋषि ने एक शब्द कहा है, उसे समझते हैं। तक्रम लघु कषायमलम दीपनम कफवाज्जित, अर्थात जो तक्र है वो लघु है, कषाय और अम्ल उसका टेस्ट है, दीपनम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये शरीर में जो अग्नि है, जो पाचन अग्नि है, उसको बढ़ाती है। हाइपोथायराइड में ऐसा होता है, भूख नहीं लगती पर वजन बढ़ते जाता है और आलस बहुत आता है, इन दोनों में काम करता है। कफ वात जीत, कफ और वात जो ये दो बीमारियां हैं उसे ये कंट्रोल करता है। अब हाइपोथायराइड बीमारी कफ और वात की है, तो हाइपोथायराइड की बीमारी होने पर या थायराइड जिसमें आपका वजन बढ़ रहा है उस बीमारी में आपको रोज खाना खाने के बाद छाछ जरूर पीना चाहिए। पर क्या अकेली छाछ काफी रहेगी? तो आयुर्वेद कहता है कि छाछ के साथ कुछ सपोर्ट दो तो और ज्यादा अच्छा। हमने मार्च के मौसम के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मसालेदार छाछ पीनी चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए वो बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हाइपोथायराइड की बीमारी में मसालेदार छाछ पीनी चाहिए। मसाले जैसे आपके घर पे जो सौंठ रखा है वो भी कफ और वायु को कम करता है, तो उस सौंठ को आप इस छाछ में डाल सकते हो। काली मिर्च, ये भी गर्म है, अग्नि बढ़ाती है, कफ और वायु को कम करती है, तो इसे भी डाल सकते हो। और आयुर्वेद की एक दवा पिपली, ये भी कफ और वायु को कम करती है और पाचन को सुधारती है। इन तीनों को, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसे आयुर्वेद में त्रिकटु कहा जाता है। तो अकेली छाछ के बजाय त्रिकटु पाउडर, जो आसानी से कहीं भी मिल जाता है, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, इसे मिलाकर अगर छाछ पी जाए तो वो हाइपोथायराइड की बीमारी में बहुत अच्छा काम करती है। और क्या कर सकते हैं इस बीमारी में? तो हमने एक और वीडियो डाला था, चार नियम सब कुछ हजम, उसमें हमने आपको बताया था कि खाना खाने के पहले अगर थोड़ा सा अदरक और सेंधा नमक चबाकर खाया जाए तो वो पाचन को बढ़ाता है। वो फॉर्मूला यहाँ भी चलेगा। थायराइड के पेशेंट्स को, जिनकी भी पाचन अग्नि कमजोर है, डल है, वजन बढ़ गया है, भूख नहीं लगती, आलस बहुत आता है, मानसिक डिप्रेशन बहुत रहता है, काम करने का मन नहीं करता, अंधकार, जो कुछ भी समस्याओं की हम बात करें, उन सभी में खाना खाने के पहले अदरक और सेंधा नमक इसे थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो ये बहुत कमाल का चीज़ है। तो दो चीज़ें हुई, खाना खाने के पहले थोड़ी सी मात्रा में अदरक और सेंधा नमक मिलाकर चबाकर खाइए, और खाने के बाद छाछ पीनी चाहिए, वो भी मसाला डाल के। एक और काम कर सकते हैं, थायराइड गले के ऊपर की बीमारी है, तो घर पे आयुर्वेद में जो हमने कहा था नश्य कर्म, नश्य अर्थात नाक में दो दो बूंद औषधियां डालना या पाउडर डालना, तो आपके घर पे जो भी गर्म तेल हैं वो आपके लिए बहुत सुटेबल रहेंगे। जैसे कि तिल का तेल, तिल का तेल रोज आपको नाक में दो दो बूंद डालना चाहिए। अगर कोई भी स्ट्रेस, चिंता, बेचैनी, इन सब के कारण आपको थायराइड हुआ है, ये एक हार्मोनल बीमारी है और ज़्यादातर मानसिक तनाव, बेचैनी के कारण ही होता है। आयुर्वेद तो कहता है चिंता ना मति चिंतयात, चिंता करने से आपके शरीर में रसधातु खत्म होती है
और ये इस तरह की बीमारियों को करता है। तो रोज तिल या सरसों का तेल दो दो बूंद नाक में डालना, ये बहुत कमाल का टेक्निक है थायराइड की बीमारी में बचने के लिए। दो से तीन बार आप इसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमने एक और वीडियो अपलोड करके रखा है, मोटापा सात सबसे सस्ती और असरदार दवा। उसमें हमने आयुर्वेद की 7 टेक्निक बताई हैं कि खाना कैसे खाना, या शरीर में जो उपटन है, मतलब कोई भी पाउडर जैसे कि चने का आटा, जो इसको लेके शरीर पे रगड़ना चाहिए, घसना चाहिए, इससे कफ और वायु ये सभी कंट्रोल होती है। तो उस वीडियो में बताई जो भी 7 की 7 एडवाइस है वो आपको जरूर काम आएगी। तो हाइपरथायराइड की बीमारी जिसमें कि वजन बढ़ रहा है, आलस बहुत आ रहा है, इसमें 3 चीज़ें जो घरेलू है वो आप जरूर कीजिए। नंबर 1, छाछ मसाला डाल के जरूर पीजिए। नंबर 2, खाना खाने के पहले अदरक और सेंधा नमक जरूर खाओ। और नंबर 3, नाक में तिल का तेल या सरसों का तेल, सरसों और भी गर्म है तो इसे आप डाल सकते हैं, ये आपके ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही खाने में थोड़े से मसालों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, जैसे कि जीरा है इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए, ये भी पाचन में बहुत अच्छा है, या फिर धनिया का पानी पीना, ये भी पाचन बहुत अच्छे से सुधारता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हैं तो थायराइड का जो लेवल आपका बहुत ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ मिल जाएगा। साथ में कपालभाति जैसा प्राणायाम जो कि अग्नि बढ़ाता है वो इस बीमारी में बेस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको थायराइड की बीमारी को कंट्रोल करने या उससे बाहर निकलने में बहुत मददगार होगी। उम्मीद है थायराइड और मोटापे के बारे में ये घरेलू उपाय आपको पसंद जरूर आया होगा, और इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। आयुर्वेद की ऐसी ही जानकारियों के लिए YouTube पे हमारा चैनल ओज आयुर्वेद, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।